उठाकर यहाँ क्यों तशरीफ ले आते हैं? क्या कोई और काम धंधा नहीं है आपके पास? जबकि आपको तो पता भी होता है कि इस वक्त खावर भाई घर पे मौजूद नहीं होते। अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं है या वो किसी बात में राजी नहीं है तो बीवी होने के नाते मुझे उनकी हर खुशी में अपनी खुशी को कुर्बान करना पड़ेगा। बेटा आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा खावर, जब तुम ठीक हो गए हो तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? जिब्रान, ये मेरे घर का पर्सनल मामला है, तुम्हें इसमें बिलावजह मदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कि तुमने मेरे लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। चुप रहूंगी, चुप रहूंगी। ब्लू पैंट के साथ ये कॉम्बिनेशन ठीक है? अच्छी लगेगी, इसको रेडी कर देना। अच्छा, अबू भी ऑफिस से आगे होंगे, हम बाहर चल के बैठते हैं। क्यों भाई खावर, मैंने तुम्हारी शादी इसलिए की है कि तुम बहू से खिदमतें कराओ, कपड़े वो तुम्हारे समेटे, ऑफिस में तैयार करके ये भेजे, ऑफिस से वापस आओ तो चाय बनाकर ये दे। अम्मी आपको क्या हो गया आज, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? तुम लोगों के जाने के बाद ना जिब्रान आया था, सब कुछ बता गया मुझे। मुझे जिब्रान ने बताया कि तुम 3-4 साल बाप नहीं बनना चाहते। जी जी, मैंने ही उससे कहा था। तुम्हें यह किसने दिया कि तुम एक मासूम और भोली भाली लड़की के जज्बात से खेलो? खावर बेटा, मैं जानती थी कि तुम शादी नहीं करना चाहते थे, शायद इसलिए कि तुम बच्चों की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते थे। अब जबकि शादी हो गई है तो अपनी बीवी को उसका हक तो दो। बेटा मैं जानती हूं तुमने नौशीन को बहुत अच्छा रखा हुआ है और शायद तुम्हारे इसी बर्ताव की वजह से वो बहुत खुश है, तुमसे बहुत प्यार करती है। उसमें जुरत नहीं कि वो तुमसे कह सके कि मैं मां बनना चाहती हूं, जो कि हर लड़की की फितरी ख्वाहिश होती है। तो बेटा अपना फैसला बदल लो ताकि वो अधूरी औरत से मुकम्मल औरत बन सके। ठीक है। ठीक है गजाला, अगर अम्मी ने इजाजत दी तो मैं जरूर आऊंगी। चल बेशरम, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं नहीं आ रही।
चलो ठीक है, मम्मी से बात करके बताती हूँ। अल्लाह फिर। अरे किसका फोन था? भाभी मेरी फ्रेंड है ना गजाला, उसका फोन था। उसके भाई की सालगिरह है और उसने मुझे इनवाइट किया है। अच्छा, ये तुम्हारी वही दोस्त है ना जिसकी अम्मी और भाई उस दिन हमारे घर आए थे? जी जी भाभी बिल्कुल। इसका मतलब है कि अम्मी का अंदाजा बिल्कुल ठीक था कि कुछ दिनों में ही हमारे घर रिश्ता आने वाला है। जी नहीं भाभी, अब ऐसा भी नहीं है। अरे मेरी गुड़िया, बिल्कुल ऐसी ही बात है। चलो अब तुम्हारी भाभी को फिर से एक्टिव होना पड़ेगा। आने दो नौशीन को, बैठते हैं, सर जोड़ते हैं। भाभी उफ नौशीन, तुम इमेजिन नहीं कर सकती, मेरी तो जान ही निकल गई थी कि जिब्रान ने अम्मी से कुछ कहना दिया हो। क्या बता दिया होगा? क्या? एक बात का ख्याल रखिएगा खाब, ये बात अगर मेरे और आपके अलावा किसी तीसरे को पता चले तो उसका मतलब है कि सबको पता चल जाएगी, जो हम दोनों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये यही कि मैं नहीं चाहता कि अभी हमारे यहां औलाद हो। खावर, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? यही तो हमारे बीच में डिसाइड हुआ था। अगर आपने ये बात जिब्रान से कर दी और उन्होंने अम्मी को बता दिया तो प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली मैं अम्मी से खुद ही बात करना चाह रहा था और मुझे डर था कि अगर जिब्रान के जरिए अम्मी को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगी। पर जिब्रान ने बताया क्या है? नहीं नहीं, वो बहुत समझदार लड़का है, उसने बात को घुमा दिया होगा। क्या मतलब बात को घुमा दिया होगा? खबर, ऐसा क्या कहा है आपने जो अम्मी इतने एतमाद के साथ कह रही थी कि जिब्रान ने उन्हें सब कुछ बता दिया है? वो यही कि तुम कहीं जॉब करना चाहती हो। एक्चुअली मैंने जिब्रान से जिक्र किया था कि तुम कहीं जॉब करना चाहती हो और इसीलिए हम अभी फिलहाल बच्चे के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इल्जाम भी अब मुझ पर आएगा कि जॉब की वजह से मैं। देखो नौशीन, अब जिब्रान से गलती हो गई है और तुम फिक्र नहीं करो, मैंने अम्मी के सामने सारी बात को संभाल लिया। मैंने उनसे कहा है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम कहीं जॉब करो ताकि हम दोनों कुछ सेविंग्स कर सकें। दैट्स इट। और अम्मी का क्या रिएक्शन था? तुम अच्छी तरह जानती हो कि अम्मी का क्या रिएक्शन होगा। जाहिर है उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि हमारी एक औलाद हो। वो खुश तो नहीं है इस बात से, मगर मुझे कोई तो बहाना चाहिए था ना। खबर, आप इलाज क्यों नहीं करवा लेते अपना? नौशीन तुमको क्या पता, मैं शादी से पहले और अभी तक इलाज करवा रहा हूं लेकिन फिलहाल कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। नौशीन तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, अब अगर तुम चाहो तो मैंने तुम्हें एक ऑप्शन दिया था शादी के वक्त, कि तुम मुझसे शादी के 3 महीने के बाद कोई भी बहाना करके अलैदगी इख्तियार कर सकती हो। मैं ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करूंगी।
क्यों? क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। Thank you so very much. मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझ पे एतबार किया और मेरे इस तरह बुझाने पे यूं चली आई हैं। आपने इसरार ही इतना किया कि मैं इनकार ही नहीं कर सकी, मजबूर हो गई। मजबूर तो मैं भी बहुत हो गया। आप किस बात से मजबूर हो गए? आपने दिल के हाथ जी, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया था। क्या किशन, जानती हूं जब तक मैंने आपको देखा नहीं था आप मेरे लिए काम सी लड़की थी, मगर अब जब मैंने आपको देख लिया तो आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो गए। आप मुझे बिल्कुल मेरा आइडियल लगती हैं, वही तसव्वुराती लड़की जो मेरे ख्वाबों में आती है। और बाकी मैं आपके लिए जो कहूं कम है। बहुत देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। घर जाते जाते वैसे ही आधा पौना घंटा लग जाएगा और अम्मी जी बहुत परेशान हो जाती है। तो इसमें घबराने की क्या बात, मेरे पास वो है ना बाइक, मैं आपको 15 मिनट में घर पहुंचा दूं। अच्छा सुनिए, वो कोशिश कीजिएगा कि हमारी मुलाकात के बारे में आपकी भाभी को ना पता लगे। क्यों? अरे भाई, वो पुराने ख्यालात की मालिक है ना, तो उन्हें शायद अच्छा ना लगे कि हम शादी से पहले इस तरह मिल रहे हैं। ये तो आप सही कह रहे हैं। अच्छा प्लीज अब चलें, वाकई बहुत देर हो गई है और मुझे डर लग रहा है कि अम्मी बहुत डांटेंगी। प्लीज क्या इमरजेंसी हो गई, इस तरह क्यों दोपहर में बुला लिया मुझे? ये जिब्रान, अम्मी के तकाजे बढ़ते जा रहे हैं, कोई बात 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 तुम समझ रहे हो ना क्या? हाँ यार, वो मैं भी गया था आंटी से मिलने, वो भी यही मसला लेकर बैठ गई थी। बड़ी मुश्किलों से मैंने समझाया उन्हें। हाँ थैंक्स यार, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत ही खूबसूरती से सब हैंडल कर लिया। खैर नौशीन को भी इसी बात की टेंशन है, इसलिए मैं सोच रहा था कि नौशीन अगर कहीं जॉब वगैरह कर ले तो उससे एक फायदा तो ये होगा कि उसका और अम्मी का इंटरेक्शन कम हो जाएगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि उसको एक बहाना मिल जाएगा इस झमेले में फिलहाल ना पड़ने का। That's a good idea. लेकिन तुमने कभी पूछा कि भाभी किस तरह की जॉब करना पसंद करेंगी? वैसे उनकी क्वालिफिकेशन क्या? यार क्वालिफिकेशन तो सही है, सिंपली अ ग्रेजुएट, लेकिन मेरे हिसाब से अगर वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में मेहनत करेगी तो उसको एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है। मगर मगर क्या यार, नौशीन अभी तक एक घरेलू लड़की साबित हुई है। उसके घर का माहौल ऐसा नहीं है जहां पे लड़कियां आजादाना घूमती फिरती रहे। मुमकिन है कि वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करेगी तो क्या मुमकिन, वो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगी और मर्दों के साथ भी उसका इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, और शायद वो रियलाइज कर ले कि वो क्या कुछ मिस कर रही है। और क्या
समझता हूँ यार, तो खुद नहीं मिस करना चाहता सलमान से। हाँ यार, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है और मैं उसे और दुख नहीं देना चाहता। हालांकि मैं इस बात को दिल की गहराइयों से समझता हूँ कि मुझे इस बात का कोई हक नहीं है कि मैं उसको एक फजूल से नाम की शादी के पिंजरे में कैद रख सकूं। खबर इस सिचुएशन में तो मैं तुझे सिर्फ एक ही सजेशन दे सकता हूँ। क्या? कि भाभी मुझे ज्वाइन कर ले एज ए फैशन डिजाइनर। देख, भाभी का टेस्ट बहुत अच्छा है कपड़ों में, अगर वो थोड़ी सी मेहनत करे तो मुझे लगता है वो फैशन डिजाइनर बन सकती है, और फिर वो मेरे साथ होंगी, तुझे भी टेंशन कम होगी। यार जिब्रान, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, थैंक्स। और नौशीन को सिर्फ ड्रेसिंग सेंस ही नहीं बल्कि उसे शौक भी है, और फिर मैं तुझ पे आंखें बंद करके ट्रस्ट भी कर सकता हूं। ऑफ कोर्स यार, यू कैन डू दैट। अब जल्दी से चाय पिला, चल। हां ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। हाय, गर्मी बहुत, गर्मी आज। हाँ यार, दो चाय भिजवा उधर फौरन, अच्छी सी। क्या हुआ मियाँ, परेशान लग रही है? वो नौशीन कैकिशा कॉलेज से नहीं आई, हमेशा पौने दो बजे तक घर आ जाती है। अम्मी, कॉलेज में कभी कभी देर भी हो जाती है, हो सकता है सहेलियों के साथ गपशप में लग गई हो। मैंने सख्ती से मना किया, जैसी छुट्टी हो घर आ जाओ। सिर्फ आधा घंटा ही तो देर हुई है। अच्छा खैर, 15-20 मिनट में नहीं आती तो हम कुछ करते हैं, आप बैठे आराम से। अच्छा, बैठ जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुद डिजाइनिंग का बहुत शौक है। आप बेफिक्र रहिए, मैं खूब अच्छे अच्छे ड्रेसेस डिजाइन करूंगी और उनका बिजनेस बहुत चलेगा। लेकिन मेरी सैलरी की बात नहीं हुई। सैलरी की तो बात हुई नहीं है उससे। चलो एक काम करते हैं, शाम में वो घर आ रहा है, हम कहीं डिनर पे चलते हैं, आप खुद ही बात कर लीजिएगा उससे। नहीं, ऐसे मुनासिब नहीं लगता, आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, मैं बात करूंगी तो ठीक नहीं लगेगा, आप खुद ही बात कर लीजिएगा। ओके ठीक है, मैं ही बात कर लूंगा उससे। अरे मेरा बच्चा, सर्दी लग जाएगी, मुझे मोजे पहनाने दे। ये लो मेहता, ये तो बताओ कि कैकशा से तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? जबरदस्त, बस यूं समझो कि मैं उसे शीशे में उतारने में कामयाब हो गया हूँ। अगर दो चार ऐसी मुलाकातें और हो गई ना तो बस पूरी तरह वो मेरे काबू में आ गई। बस बस, ज्यादा मुतमईन होने की जरूरत नहीं है। ये मत भूलो कि नौशीन अभी भी वहाँ मौजूद है और वो हमारी बात सुन चुकी है। अरे भाई देखे, मैं कहकशा को संभाल लूंगा ठीक है, मगर नौशीन को आपको ही संभालना होगा बस। अरे संभाल तो रही हूँ, और कैसे संभालू, हालांकि मुझे शदीद गुस्सा है उस पे। अब देखो भला, खामोखामे तुम्हारे रिश्ते को खराब कर दिया उसने वहां पे, लेकिन मैंने सब कुछ भुला दिया। बस एक बार शादी हो जानी, एक बार अपने सुसर के पैरों में गिर जाऊंगा, नाक रगड़ूंगा उसे कदमों में कि खुदा का वास्ता मुझे अमेरिका भेज दो अपने भाई के पास। हाय मेहताब, अगर तुमने थोड़ी सी भी तवज्जो अपने करियर बनाने पे दी होती ना तो आज ये हालात ना आते, और तुम्हारा रिश्ता वो भी आसानी से हो जाता। अरे बाजी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा ना, तो वैसे भी तुमने मुझे इतनी अच्छी गाइडलाइन दी तो है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो नहीं जाएगा, ठीक करना पड़ेगा। हाँ हो जाएगा। अरे पागल तो नहीं हो गए, मैं भाभी को कोई मुलाजिम थोड़ी रखूंगा अपने पास भाई। तो क्या मुफ्त में काम कराओगे? नहीं देखो, होगा ये कि भाभी जो डिजाइन बनाएंगी उनकी कॉस्ट निकाल के जो प्रॉफिट बचेगा वो हम आधा आधा बांट लेंगे। क्यों भाभी, अच्छी डील है ना?
मुझे तो कारोबारी रील्स के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ ये मालूम है कि काम बहुत मेहनत से करूंगी। टाइमिंग्स क्या होंगी? टाइमिंग्स वही होंगी। खबर ऑफिस जाते हुए आपको बुटीक पे ड्रॉप कर देगा और शाम में पिक कर लिया करेगा। क्यों? हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी तुम्हारा बुटीक मेरे ऑफिस और घर के रास्ते में ही पड़ता है। क्या कैसा बेटा, आपको कॉलेज कैसे चल रहा है? जी अबू ठीक चल रहा है। मैं कह रही थी कैकेशा के लिए ना कॉलेज की वैन लगवा दीजिए। क्यों अम्मी? इसलिए कि कल तुम एक घंटा लेट आई थी, मेरा तो दिल दहल गया था। आपको तो दहलने का शौक है। तुम बताओ बेटा कैकेशा, क्यों देर हुई थी? वो अबू, एक पुरानी सहेली थी मेरी, उसने अपना कॉलेज चेंज कर लिया था तो मिलने के लिए आ गई थी हमसे, इसलिए देर हो गई। चलो कोई बात, एक दफा तो ऐसा हो गया, लेकिन बेटा इसको प्रैक्टिस मत बनाना, वरना तुम्हारी अम्मी का दिल दहल दहल का सारा खून अगर खुश हो गया ना तो खासी मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं अबू, अम्मी आइंदा कभी नहीं होगा ऐसे। गुड गर्ल बेटा, अब चलो जल्दी से तैयार होके आ जाओ, आपके पास सिर्फ 10 से 15 मिनट बाकी, ताकि ना आप कॉलेज से लेट हो ना मैं ऑफिस से। अबू मैं रेडी हूँ, आप चाय खत्म करें जब तक मैं अपना बैग और बुक्स लेकर आती हूँ। मैं कह रही थी हसन साहब कि मैं नौशीन से बात करती हूँ। किस सिलसिले में? भाई कैकेशा के रिश्ते के सिलसिले में, पूछूं कि जाके खामोशी बैठ गए? मेरे ख्याल से आप इस बात को भूल ही जाए तो ज्यादा बेहतर। क्यों? क्योंकि मुझे वहां गड़बड़ लगती है। तुम खुद सोचो, अगर मेहताब अच्छा लड़का होता तो नौशीन उसके बारे में सिफारिश करती, उसके बारे में कुछ कहती। उसकी खामोशी ये बता रही है कि वहां मामला कुछ गड़बड़ है। अगर ऐसी बात थी तो नौशीन को हमें बताना चाहिए था ना। आप उस बेचारी के पोजीशन पे गौर क्यों नहीं करती? यहां उसके ससुराल, वहां उसके भाई का ससुराल। उसकी खामोशी बता रही है कि वो एक समझदार लड़की है, रिश्तों का एहतराम जानती, वो हरगिज नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से किसी की पोजीशन खराब हो। तुम फिक्र ना करो, मैं सब कुछ अपने ऊपर ले लूंगा, और मैं आज जानबूझ के इस बात को छेड़ने जा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है वहां पे अब्बू मौजूद होंगे और वो मेरी ही साइड लेंगे। वैसे तो अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। अच्छा, सिर्फ अब्बू? आप भी। पर अम्मी, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चलो नीचे चलते हैं। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अम्मी अब्बू, वो नौशीन आप दोनों से कुछ कहना चाह रही है। मैं कहा, आप कहना चाह रहे हैं, आप कहें। क्या बात है बेटा नौशीन? आपकी चाहत है तो आप ही पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं ही पूछ लेता हूँ। वो एक्चुअली नौशीन कहीं जॉब करना चाह रही थी। बेटा खावर, हमने आप लोगों की शादी कर दी है, बहू का हाथ आपके हाथ में दे दी, अब अपने फैसले आप लोग खुद करें बेटा। आखिर बहू को नौकरी की जरूरत क्या है? वो अम्मी, हम दोनों एक्चुअली कल रात में सोच रहे थे कि कुछ सेविंग करनी चाहिए, और जाहिर सी बात है हम दोनों काम करेंगे तो कुछ सेव हो पाएगा, इसीलिए।
बात तो समझदारी के कर रहे हो तुम लोग। अभी तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। चलो इसे बहाने कुछ सेविंग हो जाए करेगी, कल को बच्चे बच्चे हो गए तो फिर। आप भी हद करते हैं हसन साहब, अगर बहू नौकरी करेगी तो बच्चे बच्चे कैसे होंगे। आप भी कमाल करती हैं शहनाज बेगम, क्या वर्किंग वुमेन्स के बच्चे नहीं होते। होते होंगे, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू नौकरी करे। मुझे वो बहुएं बिल्कुल पसंद नहीं जो सुबह सुबह तैयार होकर खावन के साथ निकल जाती हैं और शाम को शक्ल दिखाती हैं। शहनाज बेगम, हम लोगों का जमाना और था, एक कमाता था 10 खाते थे। अभी मियां बीवी दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है। भाई मुझे तो बच्चों के फैसले पे कोई इतराज नहीं है। कहाँ जॉब करना चाहती हो बेटा नौशीन तुम? जी अब वो एक्चुअली ये जॉब नहीं है, जिब्रान ने नौशीन की ड्रेस डिजाइनिंग से इंप्रेस होकर उसे अपने बुटीक में जॉब ऑफर की है और ये दोनों प्रॉफिट जो है वो आधा आधा करेंगे। तो फिर बेटा इसको जॉब क्यों कह रहे हो, ये तो एक तरह का बिजनेस हो गया ना, वो भी जिब्रान के साथ, एक तरह का फैमिली बिजनेस। जिब्रान तो घर का बच्चा है ना। चलो अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करो, अल्लाह मालिक। हाँ हाँ चलो बेटा चले भाई, अल्लाह हाफिज। ओके मामा, अल्लाह हाफिज। नहीं बहू, मुझे ये तुम्हारा फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। 8-9 महीने हो गए तुम्हारी शादी को, अब तो नए मेहमान की आने की तैयारियां हो रही होती, लेकिन तुम लोगों का ये फैसला, मुझे लगता है मेरी ये ख्वाहिश हसद बनकर रह जाएगी। आप ऐसा क्यों सोचती हैं अम्मी? अबू ने कहा तो है कि वर्किंग वुमेन्स भी तो बच्चे पैदा कर सकती हैं, और वैसे भी ये खावर की ख्वाहिश है और मैं उसी की ख्वाहिश का एहतराम कर रही हूँ। मैं चाहूँगी कि आप भी हमें इजाज़त दे दें। पता नहीं इस लड़के के दिमाग में क्या सवार हो गया, वरना शादी तो नस्ल बढ़ाने के लिए होती है, लेकिन ये तो, मैं खावर की माँ हूं, मैं ज्यादा खुलकर उससे बात नहीं कर सकती। तुम तो उसकी बीवी हो, तुम बात करो उससे, उसे समझाने की कोशिश करो। देखो बेटा, अगर शादी के बाद औलाद ना हो तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इल्जाम मर्द पे नहीं आता, सारा इल्जाम औरत पे ही आता है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गई हूं, तुम ऐसी लड़की नहीं हो, मेरा बेटा ही ऐसा है। बेटा फिर भी तुम उसे समझाने की कोशिश करो, मैं भी जोर डालती हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। चलो बच्चों की फौज न सही, कम से कम एक आध तो हो जाए ताकि ये शादी मर्द और औरत की शादी लगे, गुड्डे या गुड़िया की नहीं।
शॉप तो बंद है। अजीब बेवकूफ आदमी है और उससे बड़ा बेवकूफ मैं हूँ। क्यों? तुम्हारे सामने की बात है, उसने मुझसे कहा था कि तुम ऑफिस जाते हुए नौशीन को बुटीक पे छोड़ देना, हालांकि मैं ऑफिस के लिए 9 बजे निकलता हूँ, वो 11 बजे बुटीक पे आता है। तो क्या करें? अब यही करते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ देता हूँ, तो वहां से जिब्रान को फोन करना, जब वो आ जाए तो वहां चली जाना। हाँ ये ठीक है, ऐसा रोज रोज करना पड़ेगा। तुम्हारे तो मजे आ जाएंगे, रोज रोज अम्मी के घर जाना। हाँ हाँ, और असद से मिलने का बहाना भी, वो तो खुश हो जाएगा कि उसकी फूमा रोज मिलने आती है। और तुम भी खुश रहोगी, अपना ना सही, भाई का बच्चा ही सही, किसी हद तक तो। चलो मैं चलती हूँ, मेरी बस आने वाली है। ठीक है, कल मिलते हैं। आप भी कहें मेरी बस सही। अल्लाह हाफिज़। आओ बैठो। नहीं मेहताब, आज नहीं। मगर क्यों? आपको पता है उस दिन भी जब मैं देर से घर गई थी ना, तो अम्मी बहुत नाराज हुई थी और अब्बू ने तो मुझे बहुत डांटा था और सख्ती से ताकीद भी की थी कि जैसे ही छुट्टी हो कॉलेज की, कहीं नहीं जाना, फौरन घर आना। तो मैं तो घर जाऊंगी। ओ मगर तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि छुट्टी होने से थोड़ी देर पहले निकल आया करो? ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता मेहताब, क्योंकि हमारी टीचर ना बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो कहती हैं कि सारी क्लासेस लेनी है और उसके बाद जब तक छुट्टी ना हो गेट नहीं खुलता हमारे कॉलेज का। आए, तो यार फिर हम किस तरह मिला करेंगे? एक एक तरकीब हो सकती है। वो क्या? आप अपनी आपी से बात करें ना कि वो रिश्ते की बात आगे बढ़ाए। भाई वो अब बात ये है कि इसमें थोड़ी मुश्किल हो गई है ना। मुश्किल क्या? अरे क्या आप सारी बातें यही खड़े खड़े करेंगे? इसे तो मैं तुमसे कह रहा हूँ फटाफट बाइक पे बैठो, कहीं चलते हैं और बैठ के सुकून से बात करते हैं। अच्छा ठीक है, मगर मैं आज नहीं जा सकती, पहले सोचूंगी फिर आपको बताऊंगी। ठीक है? अच्छा ठीक है, सोचो और सोच के बताना जरूर है। मैं आपको बता दूंगी। अच्छा मेरी बस भी आ गई, आप जाएं, फिर बात होती है फोन पे। हाँ नौशी जी, अफशीन की कोई दोस्त है गजाला, तुम जानती हो उसे? हाँ अफशीन ने जिक्र तो किया था और शादी पर भी आए थे वो लोग। अच्छा कैसे लगते हैं तुम्हें वो लोग? अम्मी एक आध बार किसी से मिल लेने से उसका पता नहीं चलता, आप क्यों पूछ रही हैं? अभी कुछ दिन पहले आई थी वो हमारे यहाँ, बहाना ये था कि उनके कोई अजीज हमारे घर के करीब रहते, उनसे मिलने आए थे तो यहाँ भी आ गए। तो तुम अजीब बेवकूफ लड़की। अरे शादी हो गई तुम्हारी मगर तुम पगली की पगली ही रही। बाज दफा ऐसा भी होता है कि ऐलान किए बगैर आ जाते हैं लड़की को देखने के लिए, ताकि अगर लड़की पसंद आ जाए तो फिर बाद में वो रिश्ता भेज सके। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी आप, वो लोग बहुत समझदार हैं। आपको पता है अपने भाई की बर्थडे के बहाने अफशीन को दावतनामा देकर गए ताकि उनके सारे घर वाले अफशीन को अच्छे से देख ले। तो ठीक है ना, तुम भी इसी बहाने दोनों चली जाओ और जाके उनके घर का माहौल भी देख लो, क्योंकि अगर उन्होंने रिश्ता भेजा तो फिर हम। अरे अम्मी आप क्यों फिक्र करती हैं, नौशीन के साथ मैं चली जाऊंगी ना। क्यों नौशीन? नहीं भाभी मैं नहीं जा सकूंगी क्योंकि मैंने जॉब ज्वाइन कर ली है, मेरा तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, अरे भाई वाह माशाल्लाह, कहाँ पे?
आप भी ना भाभी। अम्मी वैसे मुझे भाभी का ये जॉब करने वाला आइडिया कुछ पसंद नहीं आया। मुझे कौन सा अच्छा लगा है? मैंने तो खावर की शादी की थी, अल्लाह ने चाहा तुम अपने घर की हो जाओगी और मैं तनहा रहने से बच जाऊंगी, बहू होगी, बच्चे होंगे, मेरा दिल लगा रहेगा। आज ही देख लो, तुम्हारे आने तक मैं इधर से उधर दीवारों को तकती फिर रही थी। वैसे आपको पता है ज्यादा कसूर भैया का है, भाभी का नहीं। उनको क्या जरूरत थी कि वो इजाजत देते भाभी को, और वो भी वो जिब्रान भाई के साथ काम करने के लिए। क्यों, जिब्रान के साथ क्या मसला है? वो तो घर का बच्चा है। मम्मी क्या कहूँ मैं आपसे, वैसे तो मुझे पता है कि जिब्रान भाई भैया के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब से पैदा हुई हूँ, जब से देख रही हूँ कि वो इस घर में आते हैं जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ अजीब सी शोहरत है उनकी। किस मामले में? अम्मी आपको तो पता है ना कि जिब्रान भाई का बहुत मशहूर बुटीक है। मेरी कुछ क्लास फेलोज हैं, वो भी उनके बुटीक से जाके ड्रेसेस खरीदती हैं। ऐसे ही बातों बातों में मैंने कह दिया कि जिब्रान भाई मेरे भैया के बचपन के दोस्त हैं। तो आपको पता है लड़कियों ने क्या बताया? क्या बताया? उन्होंने कहा कि जिब्रान भाई की अच्छी नजर नहीं है लड़कियों के मामले में। मैं छोटी थी, बल्कि एक बच्ची थी, और बच्ची समझ के मैं उसके साथ छेड़छाड़ कर लिया करता था। कि मुझे लगता है कि उसने उस छेड़छाड़ का मतलब गलत ले लिया और मुझ में इंटरेस्टेड हो गई। शायद अगर कहकशां की जगह मैं भी होती तो यही सोचती, इसलिए मैं उसे बिल्कुल इल्जाम नहीं दूंगी। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जॉब और जिब्रान का तस्करा इस घर में और कहकशां के सामने जरा कम ही है।